नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। भाजपा सरकार के मंत्रियों का अयोध्या से नाता किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि सीएम योगी और उनके मंत्रियों को अक्सर राम की नगरी में देखा जाता है। इसी कड़ी में सीएम 6 मई को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं और कई परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राम मंदिर के विवाद पर फैसला सुना दिया है, लेकिन आज भी ये मुद्दा राजनीति की धुरी बना हुआ है और सूबे की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि अक्सर नेताओं का अयोध्या आना जाना होता रहता है। इसी क्रम में एक बार फिर सूबे के सीएम योगी 6 मई को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ ऊर्जा व नगर विकास मंत्री व मंडल प्रभारी अरविंद कुमार शर्मा भी होंगे और वो अयोध्या के विकास को लेकर संचालित हो रही 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही समीक्षा के लिए बुकलेट की तैयारी के साथ ही कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री 6 मई को अयोध्या आएंगे। इस दौरान वो हनुमान जी एवं राम लला के दर्शन पूजन के साथ ही अयोध्या को विश्व धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चलाए जा रही और 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस की तैनाती होगी। समीक्षा को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। परियोजनाओं को लेकर अब तक कराए गए कार्यों का खाका प्रस्तुत करने के लिए बुकलेट की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। सीएम योगी ने अपने फैसलों से सरकार का एजेंडा साफ भी कर दिया है और तय भी कर दिया है। विकास और कानून व्यवस्था दोनों मुद्दों पर सीएम योगी ने प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।